हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आरजू। आज है 8th of March, आज है संडे और अभी सुबह के 12 बज रहे हैं। और मैंने सुबह से बहुत सारा काम किया है, जैसा मेरा एक वीडियो अभी जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो शूट करी है गुजिया बनाने वाली, तो वो मेरा वीडियो अभी जाएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आज है बहुत ही स्पेशल डे, है इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा नहीं, विश्वास है मुझे सभी अपने अपने घर में बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से अपनी दिल की बातें कुछ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरी दिल की बात आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, हम महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखते, बाकी सबका ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद से सबसे पहले प्यार करें, तभी आप दूसरों को प्यार बांट पाएंगे, खुशियां बांट पाएंगे। तो हमें खुद का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं भी खुद का ख्याल नहीं रख पाती हूँ जितना मुझे रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम औरतों को मेंटली फिजिकली फिट एंड फाइन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर के एक स्तंभ के समान होते हैं। जो क्योंकि जब हम एक दिन बीमार होते हैं ना, तो हमारा अगला एक सप्ताह का रूटीन खराब हो जाता है और पूरा घर जैसे मानो बीमार ही हो जाता है। तो क्यों नहीं आज के बाद हम ये अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि हम कभी बीमार ना होवें, खुश रहें। खुश रहने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी होता है ना कि सामने से कोई कुछ कह दिया और आपको बुरा लग गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम सामने से तो किसी को रोक नहीं सकते ना, दूसरे को तो सुधार नहीं सकते। तो क्यों नहीं खुद को सुधारें, खुद को खुश रखें, खुद का ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। तो हम महिलाएं यदि खुद से प्यार करना स्टार्ट कर देंगे और अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि सामने वाले को भी हम खुश रखना जान जाएंगे और खुश कर मतलब होता है ना, हेल्दी रख पाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मेंटली फिजिकली हमें हेल्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुश तो हम अपने आप ही हो जाएंगे। जब आपका मन स्वस्थ होता है, तन स्वस्थ होता है, तभी आप कुछ नए नए इन्वेंशन करते हो अपने लाइफ में। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, शायद इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि आज मैं स्वस्थ हूँ। मैं यही एक महीने पहले काफी बीमार थी, तो मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, वीडियो तक बना नहीं पा रही थी, घर के काम भी मेरे बिखरे पड़े थे। अभी मैं धीरे धीरे अपने घर को भी समेटना स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे कोई भी बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को एक अपने खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम खुद के लिए हाफ एन आवर जरूर निकालें, अपने हॉबी के साथ जरूर जिए। और हाँ, सुबह उठते ही यदि मेरा रूटीन 6 o'clock से स्टार्ट होता है, तो क्यों नहीं हम 5:30 ही उठ के खुद के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, या नहीं तो चिड़ियों की चहचहाना, भीनी भीनी सी जो हवाएं आती है सुबह सुबह की, बहुत अच्छी लगती है। आप खुद टेरेस पे चले जाए, बालकनी में बैठ जाए, खिड़कियों के पास बैठ जाए, फिर आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद जो आप कोई भी अपने मनपसंद का सॉन्ग सुने, भजन सुने, कुछ भी अच्छा लगता है जो अपने तरीके से आप सुन सकते हैं, उसके बाद आपको काम में भी मन लगेगा और लगेगा कि मैंने खुद के सारा दिन, यदि आप दूसरों के लिए जीते हो तो शाम को यदि आप खुद के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि आज मैंने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं। और यही सोच सोच के हम कूड़ने लगते हैं अंदर ही अंदर, होता है ना ऐसा, बहुतों के साथ होता है। तो इसलिए खुद का ख्याल जब रखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने खुद के लिए भी आज कुछ किया है। तो खुद का ख्याल रखें, खुद को जो अच्छा लगता है वो करें, अपने जो डाइट में अच्छी जो भी डाइट है उसको लें, और अपने रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर, मेडिटेशन को जरूर शामिल करें, तो आप देखेंगे कि आपका दिनचर्या काफी स्मूथ हो जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे और आपको जो लाइफ है ना, वाकई में ब्यूटीफुल लगने लगेगी। आपको मेरा थॉट कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं और लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आपकी जो एक कमेंट होती है ना, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। और आपके भी कोई थॉट हो तो मेरे कमेंट करके जरूर शेयर करें, मुझे आपकी भी बातें बहुत अच्छी लगती है।
ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा है, लोगों से सीखा है, फ्रेंड्स से सीखा है, फैमिली से सीखी है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे से भी, मैं थोड़ा बहुत ही यदि किसी को एक थॉट भी किसी को अच्छी लगे, तो इसलिए मैं अपनी बातों को आज शेयर कर रही हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले वीमेंस डे में हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम खुद का ख्याल रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे। तो जब हम खुद से प्यार करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सारी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, और हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, और घर को तो खूबसूरत बना ही सकते हैं। लेकिन यदि हम स्वस्थ नहीं होते तो सारे काम पेंडिंग होता है ना ऐसा। तो चलिए हैप्पी वीमेंस डे वंस अगेन एंड हैप्पी होली इन एडवांस। और अभी कोरोना वायरस है तो होली भी जम के खेलनी नहीं है, तो क्यों नहीं अच्छे अच्छे पकवान बनाएं घर में, और ढेर सारी खुशियों के साथ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना अच्छे से मनाएं, सेफ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। हैप्पी वीमेंस डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।